अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव बीइंग अ मॉम। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या आपने इसको कुकिंग चैनल बना दिया है एंड दे वर लविंग माय व्लॉग्स। मैंने कहा नहीं, नॉट रियली, बहुत सारा कंटेंट होगा इसके अंदर। तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया मंडे से और ये मनाहिल का लंच बॉक्स है जिसमें एक रोल, समोसा, स्ट्रॉबेरीज और चॉकलेट स्प्रेड था। अच्छा, मनाहिल को और हस्बैंड को भेजने के बाद किचन थोड़ा सा मेरा फैल जाता है और हालांकि मैं साथ सब समेटती रहती हूँ। ये देखिए, स्ट्रॉबेरीज मेरी फ्रेंड लेके आई थी, मैंने वॉश करके यहाँ ड्राई करने के लिए रख दी थी और मतलब साथ साथ जो है वो चीज़ें समेटती रहती हूँ। मुझे चैन नहीं मिलता अगर मेरी कोई भी चीज़ फैली हुई हो। और ये वो ऑरेंज केक है जो मैंने बनाया था कल और ये बस इतना सा ही रह गया है एंड इट वॉज सो डिलिशियस। ये बहुत मज़े का था, यकीन माने ये बहुत मज़े का था। एंड मिशी को देखा मैंने दोबारा से कि उठ रही है या नहीं उठ रही है और मिशी वॉज लाइक स्लीपिंग क्वाइटली, मज़े से सो रही थी वो। एंड इसको देख देख के दिल चाह रहा था कि यार मैं भी थोड़ा सा और सो जाती हूँ। और अच्छा सा ठंडा सा मौसम लग रहा था सुबह में और वाकई में मैं इसके पास लेटी थोड़ी सी देर, लेकिन वही बात है कि सुकून नहीं मिल रहा था कि कुछ ना कुछ करना है करना है करना है। तो फिर मैंने अपने यूट्यूब पे जो एडिटिंग वगैरह करनी थी वो की। अच्छा, मिशी को उठने के बाद मैंने मिशी को ये फ्लेवर्ड योगर्ट स्ट्रॉबेरी का बना के दिया विद स्प्रिंकल्स और स्ट्रॉबेरी, और उसको दिया मैंने ये एग पराठा और साथ में ऑरेंज केक उसको बना के दिया था। जल्दी जल्दी से फिर मैंने चाट बना ली कि चाय के साथ चलो हम समोसा चना चाट इंजॉय करेंगे। और ऑरेंज केक था थोड़ा सा लेफ्ट ओवर कल का, तो वो हमने साथ में इंजॉय किया। बहुत मज़े का ऑरेंज केक था। जब से देखी थी ना मरियम परवेज़ की मैंने वीडियो ऑरेंज केक वाली, तो बस जब से ही दिल कर रहा था कि ऑरेंज केक बना के और खा लिया जाए। और वो गरम गरम में ही खा लिया गया था, बस थोड़ा सा बचा वो जो मैंने शाम में चाय के साथ सर्व किया। एनीवेज, ये जल्दी जल्दी से मैंने चने वने जो बॉईल करके रखे होते निकाले, डिफ्रॉश के इमली मिलाई और सब चीज़ें मिक्स मुक्स करके और जल्दी से मैंने बना ली ये चाट। और ये थी हमारी चाय विद समोसा चना चाट एंड ऑरेंज केक।
मेरी चाय थोड़ी कम होती है बिकॉज़ मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं है चाय, लेकिन हस्बैंड को कंपनी देने के लिए चाय पी लेती हूँ। और स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब होने लग गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैरिशेबल होती है और बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाती है, तो मैंने इनको कट करके और सोचा कि फ्रीज़ कर लेती हूँ स्मूदीज़ के लिए या मिल्क शेक वगैरह के लिए। तो इस वक्त मैं ये काम कर रही थी जल्दी जल्दी, और कोशिश मेरी यही थी कि मिशी मुझे ना देखे, मैं जल्दी से इसकी कटिंग कर लूँ, लेकिन नहीं, मिशी पहुँच गई थी मेरे साथ काम करवाने के लिए। नहीं ये वाली, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाली नहीं, ये वाले डाल ले। ये देखिए मशीन में डाल दिया। मैंने सर्दियों में बहुत सारी लिप बाम्स को ट्राई किया, और वैसलीन की लिप बाम हो या हिमालय की लिप बाम हो, ये मैंने बहुत यूज़ की हैं। और अगर कुछ भी नहीं होता तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ वैसलीन, जो बेबी वैसलीन होती है। लेकिन थैंक्स टू नताशा वकास के उन्होंने इतनी अच्छी मुझे ये बताई, किशमिश ऑर्गेनिक्स की बीट रूट लिप बाम, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और जब से उन्होंने कही थी कि भाई मैं लिपस्टिक लगाने से पहले भी लगा लेती हूँ और बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाते हैं मेरे लिप्स और बड़ा मज़ा आता है और लिप्स जो हैं वो नेचुरली बहुत ही पिंक पिंक से हो गए हैं, तो उनकी इस बात ने इतना मुझे मोटिवेट किया था। और फिर ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और इट वर्क्स, वाकई में ये काम करती है। और नताशा बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू करती है, ये बात बहुत अच्छी है नताशा की, तो बिल्कुल थैंक यू करना चाहूँगी मैं नताशा को। और ये एक बहुत अच्छा जो है वो लिप ट्रीटमेंट मुझे मिल गया है और जस्ट बिकॉज ऑफ नताशा। प्रेजेंट करियो अपने छोटे छोटे शेप, दिखाओ। वाह, करके दिखाओ ना, दिखाओ कैसे करती हो। थैंक यू। ओह शेप वाली बातें, शॉर्ट करके दिखाओ, शॉर्ट अभी नहीं करो। फिर गुड बेबी, यू शी इज अ गुड बेबी। हां और शॉर्ट, हां गाइस और डोंट टो जल्दी से करके दिखाओ। चलो चलो अपने कपड़े लेके जाओ अपने कपड़े में, शाबाश, जल्दी से अपने कपड़े में रख लो, चलो जल्दी उठाओ सारे कपड़े।
और अपने डिनर के लिए मैं कैबेज सूप बना रही हूँ और ये बहुत ही मैजिकल सूप है और इसके अलग से रेसिपी मुझे डालनी है। एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे कहा था कि आप रेसिपी शेयर करो, तो अलग से इसकी रेसिपी आपके पास आ जाएगी। और जब भी मैं इस वीडियो में इसको इतना कोई ख़ास डिस्क्राइब नहीं कर रही, और ये है कि ये मैं रात में इसलिए पी रही हूँ कि हस्बैंड की मेरी बाहर दावत थी और बच्चों को मैंने पिज़्ज़ा टोस्ट बना के देने थे, और मैं चाह नहीं रही थी कि मैं कोई और इस तरह की कोई भी चीज़ खाऊं जिससे मेरा वेट बढ़े। या आपको पता है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो इसलिए मैं उसको नॉर्मल करने के लिए अभी रात में डिनर के तौर पे ये कैबेज सूप ले रही हूँ। और इसकी इंशाल्लाह रेसिपी अलग से मैं इसकी पूरी वीडियो अपलोड कर दूँगी और आपको पता चल जाएगी। हेल्दी मील आइडियाज़ में वैसे मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन अलग से भी बोला जा रहा है मुझे कि भाई इसकी रेसिपी बताएँ आप, तो बहुत ईजी सी रेसिपी है। खैर, फिर डिनर में इंजॉय किया मैंने कैबेज सूप जो कि बहुत ही टेस्टी था और मज़े की। ये जो पिज़्ज़ा टोस्ट बनानी थी उसकी जल्दी से मैं चिकन मैरिनेट करके रख ली। और पिज़्ज़ा टोस्ट बेसिकली मुझे आइडिया यहाँ से आया कि टीवी पर जो शेफ़ महबूब हैं वो बना रहे थे चपली कबाब फ्रेंच टोस्ट, तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि हम पिज़्ज़ा ब्रेड तो बनाते हैं, हम पिज़्ज़ा टोस्ट भी बना सकते हैं। तो फिर मैंने इसलिए पिज़्ज़ा टोस्ट बनाए। ये बहुत ज़्यादा यम्मी बने, और उसके साथ साथ ये कि ये बच्चों के लिए ना बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। और पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा है, और उसके साथ साथ आप देखें सब इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रोटीन है या वेजिटेबल्स हैं, एग है, वो सब जो है वो बच्चों को मिल जाता है। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी थी, कभी इंशाल्लाह अलग से भी इसको शेयर करूँगी। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।